नमस्कार आदाब, मैं हूं सैयद अंसारी आपके साथ और आप देख रहे हैं मसीहा टीवी न्यूज। मसीहा टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस को लेकर भिवंडी हुई बंद, मेडिकल किराना दुकान पाला भाजी चालू रहेंगी और बाकी सारी कारोबार बंद रहेंगे। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। भिवंडी बंद हुई है, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बोलना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि निसरा से महानगर पालिका, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वक्तन फौक्तन डायरेक्शंस निकालते रहते हैं, तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि भिवंडी वासियों, इस देश के वासियों को चाहिए कि वो गवर्नमेंट के जितने भी डायरेक्शंस हैं उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर भिवंडी बंद का ऐलान किया गया है तो वो साफ सफाई को देखते हुए बीमारी को फैलने से रोकने के लिए इस मकसद से महानगर पालिका और स्टेट गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया है, तो इसका पूर्णता इसका जो भी अपने को ख्याल रखना है भिवंडी के नागरिक लोगों को, ताकि ये बीमारी और ज़्यादा यहाँ से फैल ना पाए, उसका ये बीमारी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है। इसका इलाज तो अभी तक आया नहीं है, पर इसको हम कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। उसके रोकने के जो तरीके वक्तन फोक्तन जो आदेश वहाँ से आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के या हमारे सरकारी अस्पतालों से, उस पर हर नागरिक को अमल करना चाहिए और जितनी भी साफ सफाई हो मुमकिन हो उतना रखना चाहिए, गंदगी से ये बीमारी को फैलने का डर रहता है। मैं हूँ सईद अंसारी, कैमरामैन मोहम्मद पठान के साथ। जागरूक करो लोगों को, प्रेरणा ठीक है, सभी को मदद करना चाहिए। जो चीज़ मेरे हिसाब से जिला जो है तो उसका थोड़ा अभी पाबंदी से अच्छा है, उसके हिसाब से बच्ची है लागू है दुकानी की तरफ से बंद होती है।